पांच समाज के मुख्यमंत्री पांच साल में देंगे, दस मुख्यमंत्री देंगे अलग अलग जातियों के, सभी जातियों का बराबर सम्मान करेंगे। हमारा तो नारा यही, सबका सम्मान और बेरोजगार को काम। राजनीति पढ़ते समय ही हम राजनीति करते थे। राजनीति से देश का पूरा ढांचा तय होता है, हर आदमी का भाग्य तय करती है राजनीति आज के ज़माने में। तो हम अपने समाज का जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका उत्थान करने के लिए हमारे अंदर पहले से भावना थी, और हम कानू सान्याल के साथ कई क्लास अटेंड किए हैं, तभी से हम राजनीति करते थे। परिस्थितियों बद नौकरी करना पड़ा। तो जब करने का वक्त था तो नौकरी में चला गया? तो परिस्थिति थी वैसी, अब हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। तो अब रिटायर होने के बाद फिर आपने राजनीति में, तो राजनीति में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ आगे करने का एजेंडा है? राजनीति में देखिए, हमने जिसने इस देश भारत को भारत बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य ने ये कहा कि जो सरकारी कर्मचारी होता है, तब तो रेणु विभाग था, एक खाली वही कर्मचारी होता था, तो उसके जबान पे शहद रख दिया जाता है और कहा जाता है वो उसको खाए ना, तो ये संभव नहीं है। चाणक्य ने कहा ये संभव नहीं है कि शहद रखो, आदमी जबान पर शहद रखा रहा है और खाए ना, ऐसा संभव नहीं है। तो शहद रोक सकते हो तभी भ्रष्टाचार रुकेगा। चाणक्य की बात को हम याद करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो उनकी जबान पर शहद रखने ही नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, आप राजनीति में ऐसा प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपको मन में कहीं टीस है कि हम नौकरी ना करके राजनीति पहले आगे कुछ कर देते हैं? टीस तो है, मगर मजबूरी थी। हाँ। अच्छा, अब जितना हो सकेगा उतना करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हम कर लेते हैं, हम संघर्ष कर लेते हैं, हम सब करेंगे। हाँ, आज की राजनीति प्रदेश में आप लड़ाई लड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, लड़ जाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ, सेनापति सब हम हैं, वो बन जाएंगे और लोग बन जाएंगे। जब अच्छा काम करने के इरादे से आदमी उतरता है तो उसको अच्छे लोग मिल जाते हैं। मैडम जी, आपको पता है हवा में कुछ नहीं होता आदमी? नहीं, हवा में कुछ नहीं होता। हवा में नहीं होता। हाँ, हम हवा में नहीं बात करते हैं, हम जो कहते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। कितना संगठन आपको खड़ा होगा, कितना बड़ा संगठन है प्रदेश के लिए? आप उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में हो गया है मेरा संगठन। सक्रिय कार्यकर्ता कितने हैं? 1,500-2,000 हैं लगभग। 1,500-2,000। तो आपको लगता है इतने कम कार्यकर्ता और इतने कम संगठन के साथ एक बड़े एजेंडे के साथ चलना आपके लिए कितना कठिन है? देखिए, ये इलेक्शन जो है, जातियाँ लड़ती हैं आज के ज़माने में, जातियाँ लड़ती हैं इलेक्शन। जब हम पांच मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो पांच जाति के हमारे पास लोग अपने आप आ जाएंगे, पांच जातियाँ हमारे संगठन में बिल्कुल आ जाएंगी। ये क्योंकि उनको सबको, हम जिनको सम्मान नहीं मिला उन्हीं को सम्मान देना चाहते हैं। आपकी घोषणा पत्र में क्या है? घोषणा पत्र में यही है हमारा कि पांच मुख्यमंत्री बनाएंगे और 10 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको निधि की बात करें? निधि, ये विधायक निधि जो होती है, और विधायक निधि और विधायकों को पेंशन, दो दो तीन तीन पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारियों को एको पेंशन अब नहीं मिल रही है, तो ये बचत करेंगे हम, और इसको जो है हम गरीबों में, किसानों में और गरीब तबके में देने का प्रयास करेंगे। पार्टी को पहले तो लोकप्रिय बनाया जाए, तो लोकप्रिय बनाने के लिए भी आपके पास कुछ एजेंडा है? हमारे पास एजेंडा है ना, हम कह तो रहे हैं, हम साइकिल वाले को साइकिल देंगे, रिक्शा वाले को रिक्शा देंगे, और गुमटी वाले को गुमटी देंगे, और ठेलिया वाले को ठेलिया देंगे। हम पहले तो यही गरीबों को ही पहले ही देंगे, और किसानों का हम घरेलू बिजली माफ़ कर देंगे, और शहरों में 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, और किसानों को डीजल हम सस्ता कर देंगे, बैट माफ़ कर देंगे, डीजल सस्ता हो जाएगा। उसके बाद
25 लाख तक का जो हाउसिंग लोन लेकर लोग घर बनवाए हैं शहरों में, तो उनका ब्याज सरकार देगी, लोन नहीं माफ़ करेगी, ब्याज देगी सिर्फ। चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव नहीं नहीं हमारा भागीदारी मोर्चा के साथ ओवैसी साहब और ये राजभर साहब के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है 22 चुनाव है कितना आसान है या? हाँ हमारे लिए नहीं, पूरे विपक्ष के लिए नहीं, विपक्ष में हम ही रहेंगे 22 में। हाँ साझेदारी मोर्चा ही रहेगा। हाँ पांच मुख्यमंत्री इसलिए कि हर समाज को इज्जत देना हमारा काम है, हर समाज चाहता है कि हमारा भी मुख्यमंत्री बने। हाँ तो इसीलिए हम पांच मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बनने से समाज को समाज का मान सम्मान तो मिल ही जाता है, ये कैसे कहते हो आप? मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उनके समाज के लोगों का थाने में सम्मान होता था। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो यादव लोगों का सम्मान होने लगता है, बाकी किसी का होता सब भाग क्यों जाते? अभी आज की डेट में अखिलेश यादव से यादव के अलावा सब भाग गए, और मायावती के अलावा सब भाग गए, उनको सम्मान नहीं मिला इसीलिए भाग गए। योगी जी का तो कोई जनाधार ही नहीं है। हाँ क्या बात करो, योगी जी अपने नाम पर इलेक्शन लड़े होते तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, वो तो मौर्य जी के नाम पर इलेक्शन लड़े और बना दिया, योगी को बना दिया बीजेपी ने। अरे बताते न, बताने से क्या होता, अब इलेक्शन इनके नाम पे होगा तब जनाधार पता चलेगा। वो विकास हम लोग देख रहे हैं, देखिए विकास तो सरकार क्या करती है, कागज़ और टीवी और अखबार पे करती है। सरकार का विकास ऐसे ना, विकास होता तो फिर प्रचार करने क्या ज़रूरत, जब विकास तुम करोगे तो प्रचार करने क्या ज़रूरत है, विकास तो अपने आप दिखाई देता है। जब लैट्रिन बनवाओगे गाँव में तो लैट्रिन दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि वो लैट्रिन छुप जाती है कहीं, तो सबको दिखाई देता। अब ये है कि अखिलेश की सरकार में रोड पर झाड़ू नहीं लगता था और यहाँ बीजेपी सरकार में झाड़ू लगता है तो ये सबको दिखाई देता, ऐसा नहीं कि कोई विकास होता है दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं होता। अपने जीवन में बहुत सारी सरकारें आपने देखी, कौन सी सरकार अच्छी है आपने अपने जीवन के कार्यकाल में, कैसी सरकारें देखी हैं? नहीं मायावती की सरकार ठीक थी, कल्याण सिंह की सरकार ठीक थी। मायावती के साथ हम क्या चले जाएं? अब वो तो दूसरा काम करने लगी, जो करने आई थी वो किया नहीं उन्होंने, जो करना था वो किया नहीं, अब तो दूसरा काम कर रहे हैं, हम काहे चले जाएं? आप किस समाज से आते हैं और हम किन जातियों की बात कर रहे हैं? हम कुर्मी समाज से आते हैं, हाँ, और बैकवर्ड की जातियाँ जो छूट गए हैं, जिनको भागीदारी अभी तक नहीं मिली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की, वो जातियाँ उनको हम भागीदारी देना चाहते हैं। कौन सी ने बताएंगे ना कि जिनको जो मुख्यमंत्री बनाएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो अभी से? कौन सी जाति हैं जिनको मुख्यमंत्री? जैसे मौर्य आया भी मुख्यमंत्री नहीं बना, कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं बना, को उप मुख्यमंत्री से क्या होता है, उनकी क्या चलती है? अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अब क्या बताऊँ, उनके नाम एफ आई आर हो गया। अरे खेल है तो खेल कर रहे हो हमारे साथ, उन मौर्य लोगों से पूछो खेल हो रहा है, खुश हो गए हो? और कौन मौर्य हैं? लोध हैं और पासी हैं, धोबी हैं, इनको सबको अभी तो मिला नहीं मुख्यमंत्री पद। बड़ी तादाद है? हाँ बड़ी तादाद है। ये क्या नाम, निषाद हैं? नहीं निषाद है तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनाने साथ में, नहीं मुख्यमंत्री कहाँ, उनको कोई बीजेपी कह रही बनाएंगे हम क्या? कहा है कहने से क्या होता है, वो तो हमको भी कह दे मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर बनाएंगे थोड़ो, वो तो देखिए विनय कटियार और प्रवीण तोगड़िया और उमा भारती सब बैकवर्ड के नेता बीजेपी में थे, मंदिर आंदोलन वही लोग चलाए थे, और उसके बाद निकाल के बाहर कर दिया गया, तो हम जानते हैं बैकवर्ड का क्या सम्मान होता है। सबको तो पद नहीं मिल सकता? नहीं नहीं सम्मान तो नहीं मिलता, सम्मान भी नहीं मिलता, जिन्होंने मंदिर आंदोलन चलाया उनको उसमें रखा भी नहीं, इसलिए नहीं रखा कि वो बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा। मंदिर बन रहा तो हम मंदिर से रोटी तो नहीं मिलती, जिसको मिलती होगी वो खाए भाई, हमको नहीं मिलती आस्था नहीं है। आपकी आस्था नहीं मिलती?
नहीं, आस्था है, आस्था अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। हमको हक चाहिए, भागीदारी चाहिए, हम भागीदारी चाह रहे हैं। आस्था से हमारी भागीदारी नहीं मिल जाएगी। हमको तो प्रतापगढ़ में हमारे समाज के लोगों को गांव जला दिया गया, मारा गया, और औरतों को बेइज्जत किया गया। तमाम मौर्य समाज की दो दो लड़कियां मर गईं उन्नाव में। हैं तो ये सब भागीदारी क्या है? ये सम्मान है उनका क्या? और मौर्य जी से कहने जाओ तो वो कहते हैं कि जब तुम कमज़ोर हो तो क्यों लड़ते हो सवर्णों से? ये तो अरे क्यों क्यों नहीं लड़ेंगे? अब तो प्रजातंत्र है, हम पैसे में कमज़ोर है मगर हमारा वोट तो है, संख्या तो है हमारी ज़्यादा। पैसे में कमज़ोर हैं तो संगठित हो जाएंगे तो वोट तो हमारे हाथ में है। नहीं नहीं, बिगाड़ेंगे क्यों? हम बनाएंगे, अपना बनाएंगे। हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम बिगाड़ने के लिए लड़ने नहीं आए, हम अपना बनाने के लिए लड़ने आए। हम पांच समाज के मुख्यमंत्री 5 साल में देंगे, और 10 मुख्यमंत्री देंगे अलग अलग जातियों के, सभी जातियों का बराबर सम्मान करेंगे। हमारा तो नारा यही, सबका सम्मान और बेरोजगार को काम, यही यही हमारा नारा है। बेरोजगारी दूर करना हमारा कौन नेता नहीं? अब ये तो अब क्या बताऊँ, हम बता हम तो आपको बता ही दिए कि बेरोजगारी का समाधान हम कैसे चाहते हैं। हम तो टैक्स कम करना चाहते हैं कि टैक्स कम करेंगे तो कुटीर उद्योग लगेंगे, तभी बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या अपने घर से नौकरी किसी तोड़ो दे देंगे? हम तो कुटीर उद्योग लगा करके जिससे अपने देश का पैसा चाइना ना जाए और चाइना से माल यहाँ ना आए, तो इसलिए हम चाहते हैं अपने देश में उद्योग धंधा लगे। तो उद्योग धंधा कब लगेगा? जब अपने देश के व्यापारियों का हम प्रॉफिट में उनका उद्योग लाएंगे, तभी तो उद्योग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? वो लोकतांत्रिक साझा पार्टी। हाँ, सोच के रखा लोकतांत्रिक। लोग किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं रह गया है, इसीलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक रखा है। हमारी जो केंद्रीय कमेटी है वही निर्णय लेगी, एक आदमी कोई निर्णय नहीं लेगा। हाँ, जैसे पोलिट ब्यूरो होता है CPM में, उसी तरह की हमारी भी पार्टी। तो कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट नहीं है हम, कम्युनिस्ट कहाँ हैं, हम तो लोकतांत्रिक हैं। नहीं नहीं, माइंड सेट नहीं, हम लोकतांत्रिक ढंग से काम करना चाहते हैं, ये हमारा कहने का मतलब। कि जैसे उनके यहाँ होता है कि एक आदमी मालिक नहीं होता, वैसे हमारे यहाँ भी एक आदमी मालिक नहीं रहेगा, कमेटी मालिक रहेगी। जो भी निर्णय करेगी उसको लागू करना, जो मुख्यमंत्री होगा उसको निर्णय को लागू करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। अरे कोई नहीं चला गया, अरे कोई नहीं, कोई नाराज है ना कोई गया है। देखिए ये सपा और भाजपा का खेल है, ये चाहते हैं तीसरा मोर्चा न बनने पाए, वरना इन्हीं खटिया खड़ी होनी है दोनों की। अब करने दो, हम समाजवादी पार्टी में अगर उनको सम्मान मिल जाएगा चले जाएंगे, हमको क्या करना? हम तो उन बिरादरियों को के पास जाएंगे, जो वो नेता थोड़ो आदमी होता है। हम तो कहेंगे तुम्हारे बिरादरी का हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमारे साथ आएगा भाई मुख्यमंत्री जिसको बनाना होगा। अब लॉलीपॉप क्यों है? अरे हमारे साथ आएगा तो मुख्यमंत्री बनेगा।